तो गाइस हम लोग हैं अभी लोकटक लेक में। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम लोग हैं इम्फाल में और आज हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो हम लोग ठहरे हुए थे इम्फाल होटल में और इम्फाल होटल मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो। जीरी पार्किंग लेक देखने के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग लोकटक लेक जाएंगे। इधर इमा मार्केट है और लेफ्ट साइड में आपको जीरी बम का पार्किंग है, ये भी इमा मार्केट है। यहाँ से मिलता है ये मोरंग जाएगा ना। हाँ मोरंग मोरंग। तो ये है मोरंग जाने वाली बस। तो गाइस तो हम लोग हैं इम्फाल में आज और हम लोग जा रहे हैं लोकटक लेक देखने के लिए। लोकटक लेक जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी सस्ता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हो इम्फाल सिटी से तो आपको 2500 से 3000 पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर किया है और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करके जाएँ ताकि हमारी जो ट्रिप है वो सस्ती रहे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से बस लिया है जो कि मोरंग के ले जाती है और मोरंग के पास ही लोकटक लेक है। और जो यहाँ का किराया है यहाँ इम्फाल से मोरंग के लिए वो 50 रुपीज़ है बस का। तो अगर आप जाना चाहते हो तो बस आपको जीरी बम पार्किंग है यहाँ पे इमा मार्केट के पास, राइट। तो इमा मार्केट के पास जीरी बम पार्किंग है, वहाँ से आप मोरंग के लिए बस ले सकते हो। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कौन सी जगह है यहाँ पर। तो आप फ्यूचर में कभी आओ तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हो। तो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसा व्यू मिलता है लोकटक लेक का, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। और हमारे साथ जा रही है इलियाना और उसकी माँ, तो हम तीन लोग जा रहे हैं। पहुंच गए हैं और यहाँ रहा मोरंग का बाजार। इधर से बोला ना इधर जाने को। क्या तो गाइस हम लोग अब लोकटक लेक के लिए यहाँ से ऑटो लेंगे, देखते हैं कितना दूर है। तो देखो हम लोग कैसे जाते हैं। तो हमारी बस वहाँ पे रुकी है, अब हम लोग लोकटक लेक के लिए इधर से जाएंगे। तो यहाँ से हमें शायद ऑटो लेना पड़ेगा।
लोक तक जाएगा कितना? आ जाओ। तो गाइस हम लोग का बस वहाँ पे लगा था पीछे, और यहाँ से एक टुक टुक ले रहे हैं और टुक टुक से जाएंगे हम लोग लोक तक। तो गाइस हम लोग इम्फाल से मोरंग पहुँचे बस से, मणिपुर का जो लोकल बस सर्विस होता है, और पर हेड हमें 100 रुपीज़ लगा था। पहले 50 रुपये लगते थे, लगता है इधर फेयर बढ़ गया है। और हम लोग मोरंग से फिर एक टुक टुक कर रहे हैं लोक तक लेक जाने के लिए, और ये 50 रुपये ले रहा है। तो आप अगर कंपेयर करोगे टैक्सी फेयर से और लोकल ट्रैवल से, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो काफ़ी अंतर है। आप कोई भी रिजर्व करके व्हीकल आओगे तो अराउंड आपको 2500 to 3000 पड़ जाएगा, और अभी लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आओगे तो एक आदमी का कितना पड़ेगा, मुश्किल से 200 to 300 रुपये, तो काफ़ी सस्ता है। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था देना, इसलिए मैंने वो दे दिया। हम लोग हैं अभी लोकतक लेक में, और ये है एंट्रेंस लोकतक लेक टूरिस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेक में बोटिंग के लिए सबसे पहले टिकट लेनी होगी हमें, तो चलते हैं टिकट लेने के लिए। समझ नहीं आ रहा, बोटिंग ना इंजॉय योर बोटिंग थिंग टू विथ। तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले लिया है, तो एक घंटे का जो बोटिंग राइड है 8 लोगों के लिए, उसका 2400 चार्ज है। तो अभी तो कोई टूरिस्ट है नहीं, तो हम 3 लोग हैं, तो हमें पूरा एक पूरा बोट बुक करना पड़ रहा है, तो हमें 2400 पे करना पड़ रहा है। ऑल्सो बीच में बहुत सारे हट्स हैं, कॉटेज बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो ये है स्टेशन जहाँ से हम लोग बोट लेंगे और आगे की ओर जाएंगे। हम लोग हैं अभी लोकतक लेक में, और सी द व्यू, तो पानी ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ पे, और वाटर बिल्कुल ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो। यहाँ पे आ कर के एक दिन ठहरने में ज़्यादा मज़ा है। वो जो आप हट देख रहे हो उधर, वो कुछ कॉटेज बनाए हुए हैं जहाँ पे आप एक रात स्टे कर सकते हो, मतलब जितना रात चाहे आप स्टे कर सकते हो। लमसम आपको पर डे का अराउंड 5000 कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो। तो गाइज ये बेसिकली जो लेक है ना, ये जब हम लोग फ्लाइट से आते हैं तो पूरा रिंग में बहुत सारा दिखता है, तो वन ऑफ द रिंग यू कैन सी। ये लोग फिशरमैन का हाउस है। तो गाइस ये बीच में आपको, लेक के बीच में आपको होटल मिलेगा, कुछ खाने पीने की जगह।
गाइस वापस हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे, अब वापस यहाँ से इम्फाल जाएंगे। तो गाइज हम लोग का बोट राइडिंग हो गया और हम लोग जा रहे हैं इम्फाल। तो सेम जैसे ही आए थे इम्फाल से वैसे ही जाएंगे। चल गए दान में तुम नेता रहने हां ये जेंगे थिंग तो बहुत चंगा चलो। तेरा सब का यूं